हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज हम कवर करने वाले हैं मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 4 और इसमें अगले 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100। ये क्वेश्चन उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बी कॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एम कॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्रेट, नेट, JRF, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट लेवल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज। भारत के अंदर मैनेजमेंट को कितने लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टू कैटेगरीज, दूसरा ऑप्शन थ्री कैटेगरीज, तीसरा ऑप्शन फोर कैटेगरीज और पांचवा ऑप्शन फाइव कैटेगरीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द मैनेजमेंट लेवल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज थ्री कैटेगरीज, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है हमारा, द चीफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट का चीफ फंक्शन है वो क्या है, मतलब एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, ये तीनों होंगे इस हिसाब से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, कंट्रोलिंग भी आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज इनोवेशन, तीसरा डिसीजन मेकिंग और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों सेकेंडरी फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और प्राइमरी फंक्शन में आपको मालूम है ना, पांच बेसिकली आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है हमारा, पॉस्ट कॉर्ब इज गिवन बाय। मैनेजमेंट में एक एक्रोनिम है जिसे कहते हैं पॉस्ट कॉर्ब और पॉस्ट कॉर्ब का फुल मतलब जो फुल फॉर्म है एक हिसाब से, इस एक्रोनिम का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसे किसने दिया था? ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है। पॉस्ट कॉर्ब इज गिवन बाय, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जॉर्ज टेरे, दूसरा ऑप्शन हेनरी फयोल, तीसरा ऑप्शन लूथर गलिक और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पॉस्ट कॉर्ब इज गिवन बाय लूथर गलिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट फंक्शंस एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। किसने डिस्क्राइब किया था मैनेजमेंट फंक्शंस को चार पार्टों में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जॉर्ज टेरी, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फयोल, तीसरा ऑप्शन है लूथर गलिक और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने मैनेजमेंट फंक्शंस को चार पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने बोला था मैनेजमेंट के चार फंक्शंस हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है हमारा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिनोटेड इन ब्रीफ बाय द वर्ड। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो किस वर्ड द्वारा ब्रीफली डिनोट किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन कॉप्स डॉर, तीसरा ऑप्शन पॉस्ट कॉर्ब और चौथा ऑप्शन पॉड्स कॉर्ब। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉस्ट कॉर्ब। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिनोटेड इन ब्रीफ बाय वर्ड, पॉस्ट कॉर्ब फुल फॉर्म मतलब इसका जो मतलब है वो है प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। ठीक है, तो ये था एक्रोनिम किसका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है इन चारों में से फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कंसिडर किया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन एल्टन मेयो, तीसरा ऑप्शन हेनरी फ्यूल और चौथा ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी फ्यूल। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं सर फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर है। देखिए फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर, बेसिकली कहा जाता है कि पीटर एफ ड्रकर इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरीज। आई रिपीट, पीटर ड्रकर को क्या कहते हैं, ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरी। और अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल, तो आपने मैनेजमेंट की बुक जब क्लास ट्वेल्थ में पहली बार पढ़ी होगी तो आपने पीटर एफ ड्रकर से ज्यादा डिटेल में और सबसे पहले हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ा था। तो हेनरी फ्यूल फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे, और एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप करने वाले फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर किए गए थे। पीटर एफ ड्रकर जो थे उन्हें कंसिडर किया था फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरी। सवाल पूछा गया है फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन सी हेनरी फ्यूल बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद, ठीक है, अगर कंफ्यूजन है भी तो, नहीं है तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है हमारा ऑथर ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज। इन चारों में से कौन ऑथर थे जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन हेनरी फ्यूल, तीसरा ऑप्शन हेनरी ग्रांट और चौथा ऑप्शन रॉबर्ट ओवन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी फ्यूल। ऑथर ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज हेनरी फ्यूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू ओलिवर शेल्डन, ओलिवर शेल्डन के हिसाब से वी हैव फोर ऑप्शंस। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज वन, दूसरा कह रहे हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट, तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ओलिवर शेल्डन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओलिवर शेल्डन के हिसाब से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और किसने ये बात कही थी कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो थे फेयोल। फेयोल ने कहा था कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, ओलिवर शेल्डन ने कहा था नहीं है दोनों डिफरेंट है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूल इज। तो हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो कितने हैं, उनके टोटल नंबर बताइए। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 13 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन 18 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूल इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन है हमारा हॉथरोन एक्सपेरिमेंट वॉज अंडरटेकन बाय। जो हॉथरोन एक्सपेरिमेंट है उसे इन चारों में से किन्होंने परफॉर्म किया था, मतलब अंडरटेक किया था। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन चेस्टर बर्नार्ड, तीसरा ऑप्शन मैरी पार्कर और चौथा ऑप्शन एल्टन मैरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉथरोन एक्सपेरिमेंट वॉज अंडरटेकन बाय एल्टन मैरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है हमारा सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ। सुपरवाइजर इनमें से किसका हिस्सा है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन लोअर मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ लोअर मैनेजमेंट। सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ लोअर मैनेजमेंट। जैसा आपको मालूम है ना कि एक हायरार्की बनाई जाती है मैनेजमेंट की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो लोअर लेवल में हम सुपरवाइजर को कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन और चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज
मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन, ऑप्शन सी. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स, इन चारों में से किसके प्रति मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा. वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन शेयर होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉइज, तीसरा ऑप्शन सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शेयर होल्डर्स के प्रति भी है, उनके एम्प्लॉइज के प्रति भी है, सोसाइटी के प्रति भी है. तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी एकदम सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, और क्वेश्चन है हमारा, द मैन हु फ्रेम पॉलिसीज ऑफ अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड. वो इंसान, वो व्यक्ति, ठीक है, जो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज को फॉर्म करता है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं. वी हैव फोर ऑप्शन. पहला ऑप्शन मैनेजर, दूसरा ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा ऑप्शन एम्प्लॉय, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैन हु फ्रेम्स पॉलिसीज ऑफ अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटर. वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के काम में फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज आती है. ऑप्शन बी सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन है हमारा, द मैन हु एग्जीक्यूट्स द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स टू द एंटरप्राइज इज कॉल्ड. उस व्यक्ति को क्या कंसिडर किया जाता है, उस इंसान को क्या कंसिडर किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाता है ताकि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉई, तीसरा ऑप्शन मैनेजर, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैनेजर. मैनेजर ही वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराता है ताकि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, और क्वेश्चन है हमारा, यूजुअली अ मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ. यूजुअली एक मैनेजर कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 5 years के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन 2 years के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन 3 years के लिए किया जाता है, या चौथा ऑप्शन 6 years के लिए किया जाता है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूजुअली मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए 5 years. 5 साल के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, और क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर. इन चारों में से कौन सा वो इंसान है जिसे पोस्ट ऑफ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एन इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन अ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा ऑप्शन अ कंपनी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल. क्वेश्चन था हु इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर, तो एन इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर. आप एक फर्म को मैनेजर नहीं बना सकते, एक कंपनी को मैनेजर नहीं बना सकते, नन ऑफ दीज की तो बात ही छोड़ दीजिए. ऑप्शन ए एकदम सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन है हमारा, थ्रू हुम डज द मैनेजर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज. इन चारों में से किसकी मदद से एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल स्थापित करता है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सुपरवाइजर, तीसरा ऑप्शन प्रोप्राइटर, और चौथा ऑप्शन एम्प्लॉय. इस क्वेश्चन का सही आंसर है थ्रू हुम डज द मैनेजर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज इज ऑप्शन बी सुपरवाइजर. सुपरवाइजर की मदद से एक मैनेजर सारे के सारे एम्प्लॉइज के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करता है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड मैनेजर इन, ठीक है, अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजर इन, ठीक है, कितनी जगह पे एक सिंगल इंसान को आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 2 companies में आप एक इंसान को मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन 5 companies, तीसरा ऑप्शन 3 companies, और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द कंपनीज, एनी नंबर ऑफ कंपनीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड मैनेजर इन 2 companies. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. एक इंडिविजुअल को आप ज्यादा से ज्यादा 2 company में मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन है हमारा, रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट एक्सीड, एक मैनेजर का जो रेम्युनरेशन है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेम्युनरेशन ऑफ अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंपनी जितना भी अर्न करती है एज अ नेट प्रॉफिट, उसका 5% से ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं होना चाहिए एक मैनेजर का, मतलब इनकम एक हिसाब से सैलरी बोल सकते हैं या फीस बोल सकते हैं एज अ रेम्युनरेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन है हमारा, अ सक्सेसफुल मैनेजर शुड पोजेसेस, एक सक्सेसफुल मैनेजर इनमें से क्या पोजेस करेगा, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मतलब एक क्वालिटी की बात हो रही है, पहला ऑप्शन फिजिकल एंड मेंटल वेगर, देखिए इसका मतलब ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल गुड हेल्थ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इमोशनल स्टेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कमांड ओवर ह्यूमन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सक्सेसफुल मैनेजर शुड पोजेसेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी क्वालिटीज एक सक्सेसफुल मैनेजर पोजेस करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस, इनमें से क्या बिजनेस ऑफिस का फंक्शन नहीं है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शन, पहला ऑप्शन रिसीट ऑफ लेटर्स, दूसरा ऑप्शन डिस्पैच ऑफ लेटर, तीसरा ऑप्शन फाइलिंग और चौथा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिजनेस के ऑफिस का डिसीजन मेकिंग फंक्शन नहीं होता, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बिजनेस ऑफिस ये काम नहीं करते, ये काम मैनेजमेंट का होता है, बाकी रिसीट ऑफ लेटर्स बिजनेस ऑफिस का काम होता है, डिस्पैच ऑफ लेटर्स बिजनेस ऑफिस का काम होता है, फाइलिंग बिजनेस ऑफिस का काम होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑफिस इज, जो डिपार्टमेंट इन चारों में से कौन सा बिजनेस ऑफिस का डिपार्टमेंट है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन कैश डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के दिए गए तीनों डिपार्टमेंट्स बिजनेस ऑफिस के डिपार्टमेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन है हमारा, विच डिपार्टमेंट डज द वर्क ऑफ प्लानिंग, इन चारों में से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग का काम करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन इंक्वायरी डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट डज द वर्क ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, अगर वीडियो पसंद आए कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।